नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑटोनॉमस पे। आज 22 फरवरी मंडे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 26 वर्ष, 45 वर्ष। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमबी से 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी 30 या 35 ईयर्स। भारत संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई ये व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल की पात्रता की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 157(1), वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? मंत्री, राज्यपाल, सरकारी वकील, मुख्यमंत्री। गिव द राइट आंसर, एमपी एपीओ 2008। राइट आंसर इज सी राज्यपाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का शक्ति निम्न के अधीन प्राप्त है? आर्टिकल 213, 123, 229, 226। राइट आंसर, आरएस आरडीएफ 2003, उत्तरांचल पीसीएफ 2005। क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज ए, आर्टिकल 213। संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधानमंडल के क्षेत्र के सत्र में नहीं रहने पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की राय विधानमंडल के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह के अंदर पुष्टि आवश्यक होगी। ऐसा न होने पर यह निष्प्रभावी हो जाएगा। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र में न रहने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर निश्चय अंतिम होगा। उस राज्य के मुख्यमंत्री का, उस राज्य के राज्यपाल का, उस राज्य की विधानसभा के स्पीकर का, राज्य कैबिनेट का। जल्दी से आंसर दीजिए। मध्यप्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, उस राज्य की विधानसभा के स्पीकर का। भारत संविधान के अनुच्छेद 199 क्लॉज 3 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर उस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का निश्चय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 163 के अधीन राज्यपाल की विवेक शक्तियों को निम्न में से किस प्रकरण में न्यायिक पुनर्वलोकन के अधीन लिया गया है? महावीर प्रसाद शर्मा बनाम प्रफुल्ल चंद्र घोष, प्रताप सिंह राव जी राव बने राणे बनाम राज्यपाल गोवा, नवाब राबिया और वामन एलेक्स बनाम उपसभापति, ऊपर में से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। यूपी सर्वे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, नवाम राबिया और वामन फ्लैक्स बनाम उपसभापति। संबंधित प्रावधान, उच्चतम न्यायालय ने नवाम राबिया और बनाम फ्लैक्स बनाम उपसभापति 2016 के बाद में संविधान के अनुच्छेद 163 के अधीन राज्यपाल की विवेक शक्ति को न्याय पुनर्वलोकन के अधीन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, संसद की संरचना में क्या शामिल है? केवल लोकसभा, केवल लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा। राइट आंसर, छत्तीसगढ़ संविधान 2017, एमपी एपीओ 1993, 2008 और यूपीपीसीएस 1991। क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघी एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राज्यसभा का निर्णय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के 238 के अनधिक प्रतिनिधियों से तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए 12 सदस्यों मिलकर होता है, जबकि अनुच्छेद 81 के अनुसार, 81 के अनुसार अनुच्छेद 331 के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित 530 सदस्यों तथा संघ राज्यों के 20 प्रतिनिधि सदस्य एवं राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों द्वारा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहूत करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष अथवा सभापति, जैसा भी मामला हो, प्रधानमंत्री। एमपी एपीओ 1995।
राइट आंसर इज ए, भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सदनों का सत्रावसान कर सकता है, विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 86। क्वेश्चन नंबर 8, संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? एक बार, तीन बार, दो बार, इसमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है। राइट आंसर, एमपीएपी 1997, यूपीपीसीएस 1991 और 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। संसद की बैठक वर्ष में कम से कम, आंसर है सी, तीन बार होनी चाहिए। आर्टिकल 85 के अनुसार संसद के सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। संसद की वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों के मध्य अंतर नहीं हो सकता, 4 माह से अधिक, 3 माह से अधिक, जो समय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए, या 6 माह से अधिक। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2009। राइट आंसर इज बी, 6 माह से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा की सामान्यता अवधि 5 वर्ष होती है। चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से, प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से, सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथि से और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि से, बताइए। यूपी लोवा सप्लीमेंट 2003। राइट आंसर इज बी, प्रथम बैठक के नियत तिथि से। संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 83 क्लॉज 2 के प्रावधान के अनुसार लोकसभा यदि अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही विघटित नहीं कर दी जाती तो उसका लोकसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होगा। 5 वर्ष की इस अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। नौ, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को सत्रावसान काल कहते हैं, निलंबन काल कहते हैं, स्थगन काल कहते हैं, विघटन काल कहते हैं, बताइए जल्दी से। यूपीपीसीएस 2006, एमपीएपीओ 2010। राइट आंसर इज ए, सत्रावसान काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। यूपीपीसीए 2006। राइट आंसर इज ए, 25 ईयर्स। आर्टिकल 84 संसद सदस्य हेतु अर्हताओं का वर्णन करता है, जिसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य की अर्हताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार राज्य शपथ लेता हो। तीसरा, कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो। और चौथा, ऐसी अन्य अर्हताएं हो जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि द्वारा भेद की गई की जाए। उदाहरणार्थ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा में नामित किए जा सकते हैं? 1, 2, 3। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी भी सदस्य को राज्य की विधानसभा में नामित नहीं कर सकता है। झारखंड सिविजर फिल्म 2012, यूपी सिविजर 2015। राइट आंसर है ए, 1। संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य का राज्यपाल यह समझता है कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के लिए समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, संसद के दोनों सदनों के, संसद के किसी भी सदन के नहीं। राइट आंसर बताइए। एमपीओपी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, संसद के दोनों सदनों के। अनुच्छेद 80 क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हैं। इस अनुच्छेद एवं अनुच्छेद 331 के अनुसार वह लोकसभा में 2 से अधिक एंग्लो इंडियन का नाम निर्दिष्ट कर सकता है।
यदि लोकसभा में यदि उसकी राय में उस समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।